कुछ दिनों से रेत माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण रविवार को रामटेक में देखने को मिला। रेत के अवैध रूप से हो रही तस्करी की जानकारी मिलने पर रामटेक की महिला एसडीओ अपनी टीम के साथ वाहनों पर कार्रवाई करने गई। तभी रेत माफियाओं ने एसडीओ को वाहन से कुचलने की कोशिश की। इसके अलावा टीम के अन्य अधिकारी और कर्मचारियों पर भी हमला करने का प्रयास किया। बावजूद इसके एसडीओ और उनकी टीम ने चोरी की रेत से लदे 8 ट्रकों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। आरोपियों के खिलाफ रामटेक थाने में हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को ट्रकों द्वारा रेत का बड़े पैमाने पर परिवहन करने की जानकारी रामटेक के राजस्व विभाग की टीम और एसडीओ वंदना सौरंगपति को मिली। इसके बाद एसडीओ सौरंगपति अपनी टीम के साथ रविवार की सुबह मंदसर तुमसर राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित गोटी टोक गांव के पास नाकाबंदी कर ट्रकों का इंतजार करने लगे। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि तुमसर जिला भंडारा की ओर से बिना रॉयल्टी और ओवरलोड रेत भरकर कुछ टिप्पर आ रहे हैं। कुछ देर के बाद जब तेज गति से सामने से टिप्पर आते दिखाई दिए तो एसडीओ ने उन्हें रोका और जांच की तो सभी टिप्पर ट्रकों में क्षमता से अधिक रेत भरी हुई दिखाई दी। एसडीओ और राजस्व विभाग की टीम ने टिप्पर क्रमांक MH40BF5521 MH49AT2164 MH34BF4414 MH40CM0814 MH40BF5521 MH40CM8788 और साथ ही MH34BH4747 को जब्त कर थाने में ले जाया गया। हमारे ट्रक वाले ने नहीं, नैनो वाले ने हमारे ऊपर गाड़ी डालने की कोशिश की और ड्राइवर जो था वो शूटिंग कर रहा था मेरा ड्राइवर, क्योंकि वो गाड़ी खाली करने की कोशिश कर रही थी। इन सब बात के वीडियो भी मैंने शूट किए हैं, करने की कोशिश की है। तो वो लोग मेरे ड्राइवर को भी मारने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर दौड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम फिर रुक गए और हमने उनको फॉलो किया। लगभग 10 किलोमीटर तक हमने उनको फॉलो किया, लेकिन वो गाड़ी खाली करते हुए जा रहे थे, धूल उड़ाते हुए जा रहे थे, पूरी रेत रास्ते पे गिर रही थी और बहुत अंधाधुंध गाड़ियां चलाते हुए उन्होंने हमारे गाड़ी को 10 से 12 किलोमीटर तक वो नैनो कार में हमको आगे नहीं जाने दिया, ट्रक को रोकने नहीं दिया और इस तरीके से वो ट्रक और वो खुद भी भाग निकले हैं। इस घटना में मैं और मेरी पूरी जो टीम है, हमने 8 व्हीकल्स जब्त किए हैं, उनकी इंक्वायरी और कार्रवाई उनकी चालू है और जो भाग निकले हैं उनके ऊपर हम रामटेक पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।